वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास का इकाई 3 रीतिकार। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं हिंदी भाषा और साहित्य का सामान्य परिचय, सूक्ष्म परिचय और आदिकाल और भक्तिकाल। ये हम कर चुके हैं। सूक्ष्म परिचय और आदिकाल पहला यूनिट था आपका, भक्तिकाल आपका दूसरा यूनिट था, तीसरा यूनिट है आपका रीतिकाल, जो मैं आज आपको ये करवा रही हूँ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, उन्होंने इसको कैटेगराइज किया था, हमने शुरू में ही पढ़ा था कि उन्होंने ही हमारा जो टोटल इतिहास है हिंदी भाषा का और हिंदी साहित्य का, उसे उन्होंने ही इस तरीके से डिवाइड किया है। और रीतिकाल को उन्होंने ड्यूरेशन दिया 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक का। इस टाइम को उन्होंने रीतिकाल माना, यानी कि 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक के टाइम को उन्होंने रीतिकाल माना। और इसे सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार भी किया, सभी लोग इस बात को सबने एक्सेप्ट किया कि हम इस टाइम को रीतिकाल कहेंगे। नामकरण कैसे हुआ इसका, कि इस टाइम पर एक विशेष प्रकार की रीति से कविताएँ लिखी जा रही थी, एक खास रीति का पालन किया जा रहा था, एक खास परिपाटी चल पड़ी थी काव्य रचना की, एक खास ट्रेडिशन चल रहा था, जिसके कारण इसको रीतिकाल नाम दिया गया। वो क्या ट्रेडिशन था कि जितनी भी रचनाएं हो रही थी उनमें से ज़्यादातर जो रचनाएं थी उनमें अलंकार, रस, नायक नायिका भेद, ध्वनि गुण दोष वगैरह के लक्षण और उदाहरण की ही प्रस्तुतियाँ हो रही थी। यानी कि काव्य शास्त्र जो था यहाँ का, वो सारा का सारा मर्यादाओं में बंधा हुआ था, यानी कि नियमों में बंधा हुआ था। काव्य शास्त्र के सारे बहुत सारे नियम बने हुए थे और उन्हीं को फॉलो करते हुए ही कविता रची जा रही थी। इसलिए इस टाइम के जो हैं, इनको जो हमारे ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हें आचार्य कवि भी कह दिया जाता है। इस दौरान के बहुत सारे कवियों को आचार्य कवि कह दिया जाता है। इस काल की जो प्रमुखता थी वो ये थी कि विशिष्ट काव्य रीति का पालन किया जा रहा था, खास ट्रेडिशंस का, खास रूल्स को फॉलो किया जा रहा था। काव्य रचना के दौरान रीति काव्य की ये बहुत बड़ी प्रमुखता थी, खास इसकी खासियत थी। अब रीति काल को अलंकृत काल, श्रृंगार काल भी कहा गया, लेकिन अलंकृत काल इसलिए कहा गया क्योंकि उस टाइम बहुत सारे अलंकारों का इस्तेमाल हो रहा था। आपने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, तो ऐसे बहुत सारे अलंकार होते हैं। इन सब का अलंकार इस टाइम में, अलंकारों का इस टाइम इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए इसको अलंकृत काल भी कहा गया और श्रृंगार काल भी कहा गया, क्योंकि इस टाइम श्रृंगार रस की बहुत सारी रचनाएं लिखी जा रही थी। श्रृंगार भी आपने रस पढ़े होंगे, अलंकार और रस आपने पढ़े होंगे 9th, 10th, 11th, 12th में, तो श्रृंगार पर बहुत सारा काव्य रचा जा रहा था, इस कारण इसको श्रृंगार काल भी कहा गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अलंकार जो थे, सिर्फ अलंकारों का ही ध्यान नहीं रखा जा रहा था, सिर्फ श्रृंगार पर ही नहीं रचा जा रहा था, हाँ एक रीति का जरूर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा था, ट्रेडिशन का जरूर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा था, इसलिए इसका नाम रीतिकाल ही सबने स्वीकार किया। अब उस टाइम की परिस्थितियाँ क्या थी, ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी रीतिकाल की, जो कि हमने 1643 से 1843 तक माना है। ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जहांगीर के शासनकाल से यह शुरू होता है और ये आकर के ख़त्म होता है बहादुर शाह जफर के शासनकाल में, इसको ख़त्म माना जाता है रीतिकाल को। तो 1857 का जो विद्रोह था उसके बाद मुग़ल शासन का अंत हो गया था, मुग़ल शासन का जो है साम्राज्य ख़त्म हो गया था। 1857 वाला विद्रोह हम उसे ही कहते हैं जिसके लिए हम झांसी की रानी और तात्या टोपे, नाना साहेब को जानते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक के बाद एक 17 अंग्रेज शासकों ने यहाँ पर शासन किया। अकबर के देहावसान के बाद, अकबर की मौत के बाद यहाँ पर जहांगीर जो थे, जहांगीर यहाँ पर शासक बने, लेकिन वो अपनी पत्नी नूर जहाँ के प्रेम में ही बिल्कुल पागल बने रहते थे, साथ में उनको शराब का बहुत ज़्यादा शौक था, तो नूर जहाँ जो थी उन्होंने इनको बिल्कुल विलासिता में डुबाए रखा, उन्होंने कभी राज्य कार्य में ज़्यादा इन्वॉल्व होने नहीं दिया और खुद ने अपने परिवार के सहारे यहाँ पर राज्य किया। जहांगीर के बाद जब शाहजहां राजा बने तो शाहजहां भी एक तरह से विलासी राजा के रूप में ही यहाँ पर जाने गए। इन्होंने भी वैभवपूर्ण जीवन जिया क्योंकि युद्ध दिन के टाइम तक लगभग ख़त्म हो चुके थे और ये शांति से अपना आराम से जीवन बिता रहे थे। हालांकि इन्होंने बहुत सारे भवन, नहर, बाग वगैरह बनवाए,